नजर व न्याज से मुताल्लिक भी बाज लोगों ने SMS भेजे हैं कि इस पर भी कुछ रोशनी डालें कि नजर व न्याज बनाना पीराने पीर के नाम की और फलाने इस तरह की चीजें। उसमें एक बात याद रखें, नजर व न्याज जो है ना, नजर तो शरीयत का लफ्ज है, न्याज तो कुछ है ही नहीं, तो लफ्जी बात की ईजाद करदा लफ्ज है, न्याज का लफ्ज ही बाद में ईजाद हुआ है। नजर का लफ्ज कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, अहादीस में भी। नजर का मतलब ये होता है कि आप अपने जिम्मे लाजिम कर लें और ये अल्फाज कहें कि अल्लाह के लिए मुझ पर यह काम लाजिम हो गया है, कोई इबादत अपने ऊपर लाजिम रख लें इबादत, तो वो आप पर वाजिब हो जाएगी अल्लाह के लिए। लिल्लाहि अलैया अन असूम गदन, मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं कल रोजा रखूंगा, ठीक है, मुझ पर लाजिम हो गया है अल्लाह की खातिर कि मैं इतने पैसे अल्लाह की राह में सदका करूंगा। तो जब आपने ये अल्फाज कहे तो आपके जिम्मे वाजिब हो जाएंगे। और एक होती है ये नजर मुनज्जस है, एक है नजर मुअल्लक। आपने कह दिया कि अल्लाह अगर मेरे मैं इम्तिहान में फर्स्ट आ गया तो इतने रोजे रखूंगा, और आप इम्तिहान में फर्स्ट आ गए तो आप पर इतने रोजे रखना वाजिब हो जाएगा, ठीक है ना। आपने कहा अल्लाह अगर मेरे मरीज को शिफा मिल गई, बीमार पड़ा हुआ है डॉक्टर, अगर इसको शिफा मिल गई इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, तो जब शिफा मिल जाए आप पर लाजिम हो जाएगा कि इतने गरीबों को खाना खिलाएं। ये नजर है जो कुरान और हदीस से साबित है।